Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वादा किया था चोरी डाका छोड़ देंगे, बस आज के बाद छोड़ दूंगा। 20 लाख इकट्ठा हुआ है बद्री केदार मंदिर में। मंदिर में? हाँ, अंधों के अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा किया है पुजारी ने। नहीं नहीं, मेरी सौगंध, ये पाप मत कीजिए, अंधों की लाठी मत छीनिए, कहीं वो भगवान की बेआवाज लाठी हम पर न बरस पड़े। सिद्ध करो शोभा, आज की रात हमारी तकदीर संवर सकती है। आप अपनी तकदीर संवारना चाहते हैं बेसहारा अंधों की बद्दुआ लेकर? भाभी, भगवान ने उन्हें अंधा ही इसलिए बनाया है कि न वो हमें देख सके और न बद्दुआ दे सके। कुंदन, तुमने तो अपनी जिंदगी उजाड़ ली है, अब मेरे गृहस्थी में आग लगाने क्यों आए हो? क्यों पीछा नहीं छोड़ते मेरे जगह का? शोभा, कुंदन जब भी यहाँ आता है तुम उल्टी सीधी बातें शुरू कर देती, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कुंदन का मेरे घर में आना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, आस्तीन का सांप है। तुझे दस लगा ना, तुझे पानी भी नहीं मांग लगोगे। अरे क्या कर रहे हो चक्का, आज के बाद तुमने कुंदन के बारे में कुछ कहा तो अच्छा ना होगा। जिस घर में कुंदन जैसे दोस्त के लिए बीवी पर हाथ उठाया जाए उस घर का अच्छा हो ही क्या सकता है। सुबह रो मत, मैं जो कुछ कर रहा हूं इस घर के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मुन्ना के लिए कर रहा हूं। सावन कहां है? बाहर होगा। अरे मुन्ना, देखो अभी तू लखपति का बेटा बनेगा। मेरे आने तक मकई की रोटी और सरसों का साग बना के रखना और बहुत सा मक्खन भी। अच्छा, अपने भक्तों के दिलों में जो तूने दया डाली उससे आज 20 लाख रुप। डाकू, डाकू! Thank you.
चलो नहीं गुंडा नहीं, मैं और आगे नहीं जा सकूंगा, तुम निकल जाओ। क्या बात करते हो जग्गा, पुलिस अभी बहुत पीछे, हम निकल जाएंगे, हिम्मत रखो। नहीं, मैं जख्मी हूँ, गिरफ्तार भी हो सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। नहीं जग्गा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे साथ चलो। गुंडा, मुझे कुछ हो गया तो शोभा और मेरे बच्चे का ख्याल रखना, जाओ तुम ये ले जाओ, जाओ। जग्गा, मैं भाभी और बच्चे को लेकर यहीं आता हूं, तुम यहीं छुपे रहो जग्गा, तुम मेरा इंतजार करना। मुजरिम जगजीवन सिंह उर्फ जग्गा, तुम्हें 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। बेटी, आज तू नहीं खाएगी? इसमें से एक रोटी अपने लिए रख ले, एक फकीर को दे दे, ला। अल्लाह तेरा सुहाग बनाए रखे बेटी। सुनो भैया,
कुंदन नाम का एक आदमी यहाँ रहता था। वो तो 7-8 साल पहले ही चला गया था यहाँ से। जानते हो वो कहाँ गया? एक बार सुना था रियासत चंदन नगर जाके बस गया, और हाँ ये भी सुना था कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। सुनो जी, यहाँ पर कुंदन सिंह नाम का कोई आदमी रहता है? कुंदन सिंह? हाँ, एक दर्जी है, मोची है। नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा आदमी है। अरे भैया, किसी बड़ी बस्ती में जाके देखो, होटलों में, क्लबों में। से मिलकर खुशी। अगर तुम भी कुछ रहना चाहते हो, हमें देखते ही हमेशा अपना सर झुका लिया करो। नहीं यार, सांस तो लेना दे। मालूम होता है आज फिर तुम्हारे होटल में दंगा फसाद हुआ है। इस धंधे में दंगे फसाद तो होते ही रहते हैं ठेकेदार साहब, आप हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? श्यामलाल, कल हमारे बेटे की सालगिरह है। बहुत अच्छा जनाब, और ये कुछ रख लो। मेरा तुम्हारा फैसला बाद में होगा, आज मुझे किसी और से हिसाब लेना है। लेंगे? कितना लोग आएंगे? अरे इसे इतना प्यार मत करो कि बिगड़ जाए। बिगड़ेगा नहीं तो कुंदन का बेटा कैसे कहलाएगा? जग्गा तुम, ममता तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाभी को अंदर क्यों भेजते हो? हमसे नहीं मिलवाओगे? भाभी, मैं जग्गा हूँ, शोभा का पति, सावन का भाव। जग्गा, ये हमारी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती। ममता तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ जी। बहुत शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। मेरी बीवी कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा हिस्सा कहाँ है? जो कुछ तुम सोच रहे हो बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। जब मैं खंडर से बाहर निकला तो पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गया। अपनी जान बचाने में लूट का सारा माल हाथ से जाता रहा, लेकिन जख्मी हालत में मैं फिर भी किसी ना किसी तरह तुम तक पहुंचा। और जब तुम वहां पहुंचे तो मैं गिरफ्तार हो चुका था लंबी सजा काटने के लिए। जाहिर है फिर तुम्हें मेरी बीवी और बच्चा भी नहीं मिला होगा। हाँ, मैंने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। मेरा दिल टूट गया और मैं वो इलाका ही छोड़कर चला आया। चक्का, आज जो कुछ तुम ये देख रहे हो मेरी मेहनत और पसीने की कमाई है। अगर तुम चाहो 10-15 हजार रुपए मुझसे ले लो और मेरी तरह शराफत की जिंदगी बसर करो। शराफत की जिंदगी तो अब शुरू करना ही पड़ेगी। मैं 10-15 हजार के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूं कुंदन। तो कुछ और मदद चाहिए? मदद नहीं, मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। तुमने जो खुशी मुझसे छीनी है
अब मैं वही खुशी तुमसे छीन लूंगा, और वो भी इस तरह कि तुम जिंदगी भर तड़पते रहोगे। मालिक, इसकी इतनी हिम्मत कि वो आप ही के घर में आपको धमकी दे जाए, वो भी हमारे होते हुए। ये एक शरीफ आदमी का घर है बिरजू, अब तुम जाओ और इस आदमी को शराफत के साथ मौत के घाट उतार दो। अगर दिल से मिले प्यार का फूल खिले, हम कोई गैर नहीं छोड़िए शिकवे गिले, हम कोई गैर नहीं छोड़िए शिकवे गिले। जुल्फों को खोल दे बरसात अभी बाकी है, ए रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है।
अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। कसम आदम के मारू की कसम, बेकरारी ना बढ़ा बेकरारों की कसम, हाथ सारों की कसम, लाल हजारों की कसम, तूने ठुकराया जिन्हें उन बेचारों की कसम, इन बहारों की कसम, इन नजारों की कसम, प्यार बदनाम न कर तुझको प्यारों की कसम, बेसहारों की कसम, इन कनारों की कसम, मेरी भी प्यास बुझा प्यासे धारों की कसम, राजदारों की कसम, होशियारों की कसम, तूने ना समझा जिन्हें उन इशारों की कसम, तूने ना समझा जिन्हें उन इशारों की कसम, मेरे अरमानों की बारात अभी बाकी है, रात भी बाकी है, बात भी 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 बाकी है। मैंने तुमसे 5,000 रुपए मांगे थे मगर तुमने नहीं दिए, अब 10,000 रुपए लेकर फौरन चले आओ अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहते हो। शेट्टी शेट्टी जल्दी जाइए रुपए लेकर और मेरे मुन्ने को ले आइए। हाँ ममता चाहता हूँ। शेट्टी तुमने मेरे साथ ये हरकत करके अच्छा नहीं किया। खैर तुम्हारी धमकी के मुताबिक मैं 10,000 रुपए लेकर आ गया हूं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो छेटी, अगर आइंदा तुमने मेरे साथ ये हरकत की तो मैं अपने बच्चे की जिंदगी परवाह किए बगैर तुमसे टकरा जाऊंगा। भूलते हो, सिटी से जो भी टकराया वो खुद ही टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन फिक्र मत करो दोस्त, तुम्हारा और मेरा ये आखिरी सौदा है। तो ये लो रुपया, लाओ मेरा बच्चा। कमीने, माल वसूल करने के बाद ये बहाना कहाँ है मेरा बच्चा? करने वाले की कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारा बच्चा मैं नहीं उठाया, तुम्हारे आने से एक मिनट पहले बच्चा यहीं था, अब ना जाने कहाँ चले गया। मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश ना करना, मैं इनका जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। कुंदन सिंह ये चाल मैंने नहीं किसी और ने मुझसे चली, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे बच्चे को तलाश करूंगा, वो जहां भी है जिसके पास भी है मैं लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। देखो शेट्टी मैं मर्द हूं, इस गम को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बच्चे की मां रो रोकर पागल हो जाएगी, मर जाएगी। अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, जिस दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हवाले करूंगा उस दिन तुमसे इससे बड़ी रकम लूंगा। ये मेरी अमानत थी जिसे तुम ले आए, अब मैं लेके जा रहा हूं, खबरदार। रिजु जग्गा को तुमने किस हालत में छोड़ा? तुमने तो उसे मार डाला। उसके बाद उसकी लाश को दरिया में बहा डाला। कृष्ण कहां है
मिल जाएगा मुन्ना, मिल जाएगा ममता। ये और एक खता है, इसे पड़ी। हे भगवान, ये लोग मेरे मुन्ने के पीछे क्यों? तुम्हारा बच्चा शेट्टी के पास नहीं, मेरे पास है। कल दोपहर 12 बजे तक काली चट्टान के पास 15,000 रुपए पहुंचा दो। अगर पुलिस को इत्तला की और रुपया वक्त पे ना पहुंचाया तो तुम्हारा बच्चा कल शाम का ढलता हुआ सूरज न देख पाएगा। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? पुलिस को जरूर इत्तला करो। नहीं नहीं, पुलिस को मत बताइए, उसके हर मांगे पूरी कर दीजिए, नहीं तो वो मेरे मुन्ने को बांट डालेगा। मेरा मुन्ना मुझे वापस ला दीजिए, वापस ला दीजिए। ठीक है ममता, ठीक है, मैं अपने मुन्ने को ले आऊंगा। हाँ शेट्टी, मेरा बच्चा तुम्हारे पास नहीं है, और जिसके पास है उसकी ये धमकी है। ये वही है जिसे मैं जानता हूं। कौन है? इसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा बेटा वापस दिलाना मेरा काम है। से कह देना कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ये लो बच्चा, और निकल जाओ यहां से, जाओ। ये लो, बेवकूफ, ये मेरा बच्चा है। तो फिर किसका है? तेरा होगा। अरे ये तो मेरा ही है। चलेगा, हर साल इस दिन आप एक नई कैंडल जलाती हैं और फिर इतना रोती हैं। मैंने तो आज तक किसी को ऐसी सालगिरह मनाते नहीं देखा। मेरी तरह किसी माँ की गोद सुनी ना हो जाए और मुझ पर दसीब की तरह वो अपने बेटे की सालगिरह ना मनाए। मम्मी आखिर ये तो बताओ कि हर साल आप उसकी सालगिरह क्यों मनाती हैं? क्योंकि मुझे यकीन है वो जिंदा है। यकीन है ना? हाँ बेटी। फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा जिंदा है और एक ना एक दिन वो हमें जरूर मिल जाएगा। इसी उम्मीद पर तो जी रही हूँ, ना जाने वो कहाँ है। कई बार मना किया, यहाँ ना आया करे। आपका मतलब है ये लोची को कई बार मिला करे? नहीं, एक बात सुनो, इसे उठाकर बाहर फेंक दो और समझा दो आइंदा कभी लोची से ना मिले। ओके,
सुनो, इसे उठा के बाहर फेंक दो और समझा दो आइंदा कभी नोचिस आने में जा। शिपु, तुमने अपने पापा से मेरी बात की? शिपु, बॉस ने कहा है आज के बाद यहाँ कभी मत आना। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, और अगर तुम भी कुछ रहना चाहते हो हमें देखते ही अपना सर झुका दिया करो, समझे? समझा। शिपु, तुम मत जा, मत जा। तुम मुझे कमजोर समझती हो? ये मेरे धंधे की जगह ना होती तुम दोनों को यहीं गाड़ देता, लेकिन छोड़ देता। ठीक है, अगली बार मैं भी तुम्हें बाहर ही मिलूंगा। सुनो, ये लो। तुमसे मिलकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। अपने अपनी जगह बैठ जाओ। I'm sorry यार, मैंने समझा वो टकली आ गया था। उस टकले की तुमने ऐसी पिटाई की है यार कि वो तुम्हारे सामने तो क्या कभी मेरे सामने भी नजर उठा के नहीं देखेगा। अब तो बेखट हुआ करेगा वहां पे आना जाना। लेकिन यार, वैसी गंदी जगह पे तुम जैसे शरीफ आदमी का जाना कुछ दिल के हाथों मजबूर होकर जाना पड़ता है दोस्त। मेरी महबूबा जो वहां रहती है। अच्छा, तो ले जाओ उसे वहां से शादी करके। शादी करके? हाँ, वो मेरे पिताजी है ना खूंखार, मेरी समझ में नहीं आता उन्हें बताऊं तो बताऊं कैसे। साफ 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 साफ। हाँ, तुमने अपने पिताजी को साफ साफ कहा था कि तुम किसी से प्यार करते हो? अरे बताओ ना यार, कैसे कहा था तुमने अपने पिताजी को? क्या बात है, तुम्हारे पिताजी? अरे बेटा, इसको क्या मालूम है कि इसका बाप है कौन? मौसी। अरे बिगड़ता क्यों है, मैंने तो इसकी बात का जवाब दिया है। देखो बेटा, आगे से इसके बाप के बारे में कभी ना पूछना, ना तो इसको मालूम है और ना ही इसकी माँ को इसका बाप है कौन। मौसी, अगर तुम औरत नहीं होती तो मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे शरीर तुम्हारी आत्मा का टुकड़ा हूँ, मुझसे नाराज क्यों? मेरा बाप कौन है, कहाँ है? अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं इस बात का तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मेरा बाप मर चुका है? मैं इस सवाल का जवाब ना पाकर हमेशा तड़पता रहूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं यह सवाल पूछकर मैं तुम्हें कभी नहीं तड़पाऊंगा, कभी नहीं तड़पाऊंगा। मां, बाबा अब आके देखिए। वाह वाह, बहुत अच्छे शिबू, लेकिन ये बाबा
अगर मुझे माँ के चेहरे की धुंधली सी याद भी बाकी होती तो आपके चेहरे के साथ मैं उनका चेहरा भी खींच देता। आज मैंने ये तो नहीं पूछा कि मेरी माँ जिंदा है या मर गई या कभी मिलेगी कि नहीं, फिर आप नाराज क्यों हो गए? तुम्हें कई बार कह चुका हूँ तुम्हारी माँ के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए उसका जिक्र मेरे सामने मत किया कर। उसने 15,000 रुपए मांगे हैं जबकि एक महीना नहीं हुआ, मैंने अभी उसे 10,000 रुपए दिए हैं। मेरी समझ में नहीं आता मैं आखिर ये जुल्म कब तक बर्दाश्त करता रहूं, ये रोज रोज की मांग मैं कब तक पूरी करता रहूंगा। ममता, मैं अब तक उसे लाखों रुपए दे चुका हूं, इस तरह तो वह हमें कंगाल कर देगा, पाई पाई को मोहताज कर देगा। फिर आपने क्या सोचा? मैंने फैसला कर लिया है, सोचा नहीं है कि वो मेरे बच्चे को चाहे जिंदा रखे या उसे क्या कह रहे इसके लिए हम दोनों आज तक जिंदा है, जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है, और आज आप पैसे के लिए उसके बारे में ये सोच रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने फैसला कर लिया है ममता। ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है तो मैंने भी फैसला कर लिया है। इससे पहले कि मेरे बेटे को कुछ हो जाए मैं ही अपनी जान क्यों ना देखूं। ममता, छोड़ दीजिए, क्या देखो मुझे, छोड़ दीजिए, मर जाने ममता। बस एक मामले से डाकू को पकड़ने के लिए मुझे शहर से बुलाया गया। तुम जिसे मामूली डाकू समझ रहे हो वह 18 साल से मुझे लूट रहा है। फिक्र मत कीजिए, आपको लूटने वाला कल आपके कदमों में होगा। बरसों के बाद आई हूँ। हाँ, ये क्या हो रहा है? बेहोश है माँ। कौन है ये? ये तो भगवान ही जाने। मैं इन्हें कुछ गुंडों से बचा कर लाया हूँ। फिर गुंडों से झगड़ा? सावन कई बार कहा है बेगानों के लिए इन गुंडे बदमाशों के मुंह मत लगा कर। तुम्हारे सिवा मेरे लिए इस दुनिया में सभी बेगाने हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं दुनिया से मुंह फेर कर बैठ जाऊं। माँ, लगता है ये होश में आ रहे हैं। माँ, जल्दी से हल्दी और गर्म दूध करके ला दो प्लीज। अच्छा बाबा, वादा करता हूँ फिर किसी गुंडे बदमाश से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। Thank you.
कौन हो तुम? जी बिना किसी रिश्ते नाते, बिना किसी पहचान तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में क्यों डाल दी? आहिस्ता बोलिए, अगर मारे सुन लिया तो नाराज हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुमने इतनी अच्छी निशानेबाजी कहां से सीखी? निशानेबाजी तो मेरे खून में है। तो तुम्हारे पिता ने सिखाई है तुम्हें? जी वो तो बचपन में ही। हाँ माँ कहती है कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे निशानेबाज थे। ओ बेटा दूध गर्म हो गया है। आया माँ। चलो क्या हुआ? ये आवाज किसकी थी? मेरी माँ की। लेकिन आप इस तरह परेशान क्यों हो गए? लीजिए दूध पी लीजिए। बाप रे बाप, क्या हुआ? आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, डाकू लगता था डाकू। क्या पहले बाहर जाकर उसकी शक्ल तो देखो, और हाँ सावन को समझा दो ऐसे चोर डाकू से दूरी रहा करे। सावन, अरे सावन, सावन क्या बात है ना? शकुंतला ने कहा वो आदमी डाकू जैसे लगता था। ये मुझसे पहले क्यों नहीं कहा तुम्हें डाकू देखने का इतना शौक है? अब तो चला गया। मस्ती मत कर। अच्छा सुन, तू आज नए काम के लिए गया था ना? गया तो था वहाँ, लेकिन रास्ते में साहब बहादुर मिल गए। अब फिर से जाता हूँ। भगवान का नाम लेकर जाना बेटे, आपको मेम साहब ना मिल जाए रास्ते में। अगर मिल गई मौसी तो फिर माँ का काम हो जाएगा। बाजी का काम। आपने जो मनी ऑर्डर भेजा था ना, ये उसकी रसीद है। इधर देखो। वाह क्या खूबसूरत लगती हैं आप गाली देते हुए। गो फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। सोच लीजिए मेम साहब, मैं एक अच्छा मैकेनिक हूँ और मैं चाहूँ तो आपका ये रुका हुआ खटारा चला सकता हूँ। ओहो नहीं जाइए, हम तुम्हारी मदद। ठीक है जीविश, चले जाते। सुनो सुनो। सुनाइए क्या सुनाएंगी आप? ठुमरी या भैरवी, कजरी या कव्वाली? गाड़ी की ट्यूनिंग जरा ठीक कर दो ना। हाँ जरूर, पर आप जरा प्लीज, और आप जरा गाड़ी में प्लीज। चलो चलो सब लोग बैठो जल्दी से। स्टार्ट करिए। नहीं होती। अब करिए। नहीं होती। नहीं होती। अब करिए। हो गई। सभी एक जैसे। मेरा मतलब है सिर्फ इंसानी लातों के भूत नहीं होते, उनकी मशीनें भी होती हैं। हाँ हाँ है ना। बाय। ले का जमाना ही नहीं। बाबा जिस दिन भी आप इस ताले की चाबी घर पर भूल गए ना, उसी दिन इसे खोल कर देखवा कि कमरे के अंदर क्या। शुभ वो दिन मेरे लिए बहुत दुख का दिन होगा। हो सकता है उस दिन मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ना रहे। बाप बेटे का रिश्ता क्या इस ताले के खुलने और बंद होने पर निर्भर है बाबा? बहुत हद तक। इसलिए भूल जाओ कि इस घर में दो के बजाय तीन कमरे, एक का ताला है, उसके अंदर कोई राज। ठीक है, अगर ये राज आपको अपने बेटे से ज्यादा प्यारा है तो रखिए आप इसे अपने सीने से लगा के। काश मैं तुम्हें हकीकत बता सकता शिबू, कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने पापों का प्रायश्चित समझ कर रहा हूं। अपनी बीवी और बेटे की गम में कर रहा हूं। हाँ बेटा। तुम घर में अकेली बैठी रहती हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आया हूं। अब तो तू बहू ले आ, खिलौने अपने आप ही आ जाए। फिर वही बात,
अच्छा माँ ये बताओ आज इसमें से क्या बनाओगी? देख गोभी है, आलू है, बैगन तो तुझे पसंद ही नहीं। और जो मुझे पसंद है वो तुम बनाती नहीं हो। कई बार कहा है सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाकर। सुनो मेरे आने तक मकई की रोटी और सरसों का साग बना के रखना और ढेर सा मक्खन। अच्छा। मेरे आने तक सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाकर रखना और हाँ मक्खन भी। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? पनिया भरन। वहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ होंगी, कहीं मेरे लाल को पसंद आ गई तो ले आऊंगा। तुम्हें तो कहा था ना बहू लेकर आओ। हाय आ गया रसगुल्ला। चल हट, इतनी नमकीन चीज को बना दिया रसगुल्ला। अपनी अपनी पसंद है, मुझे तो रेवड़ी लगता है। रेवड़ी जी चाहता चबा जाए। नी परेनू आटा परेनू हट नी। तुम लोग तो झूठा ही सपना देखते रहना, पर ये चीज मेरे हिस्से में आने वाली है। रे सावन छेती छेती आ ते मेरे गले लग जा जालिम। मेरे नाल नाचो दूध मलाई का वो ते दूध। सावन बोलो गुलबदन। ला बाल्टी मैं भर दूं। सावन भर लिया मैंने पानी। अरे ला मैं भर देती हूँ। भर वालों सावन मैं तुम्हारे वास्ते एक चीज लाई। मैं भी तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। क्या लाया हूँ? पहले आंखें बंद करो। चंगा हाथ आगे करो। केड़ा वाला? सीधा वाला। हाय अब आंखें खोलो। गुलाब का फूल खुशबू नहीं राखी। बंद मेरी कलाई तो। वे की जुलम कर रहा है? तेनू शर्म नहीं आंदी? मैनू पैर भी गाली देंदा? मैं तो तेनू अपने मन मंदिर का देवता माननी हूं। राखी इन कुड़ियों ने क्यों नहीं बांधा? ठहर जा होनी तेरी अकल ठिकाने कर दिया। मेरी तो है लेकिन इनकी नहीं है। अरे ओ गुलबदन पानी इनकी बंदूक की नाली में घुस जाता तो साहेब बहादुर शिकार कैसे करती हैं? इडियट तुम्हें लड़कियों से बात करनी भी नहीं आती। मैं तो लड़कियों से बहुत अच्छी तरह बात कर रहा था। क्यों भाई? मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रही थी। ओह तो आप भी लड़की हैं? हाँ वो मनी ऑर्डर वाली देखो तो। अरे हाथ मत लगा मुझे। खुशकिस्मत हो रानी हमारी तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। अबे तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो। हमको लग रही लोली है समझती अपने आप नु। हम क्या अंधे खाने हैं? तुम क्या हुड़कर ही हो? अरे पकड़ दो एनु और निकाल दो एतिया को। ये समझती है? अरे 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 एक शांति 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 मिस मनी ऑर्डर आप भाग जाइए वरना ये सब चबा डालेंगे तुम्हें। भागिए भागिए। अरे तब ना वे परे हाथ छोड़ दो मुझे। कमाल है मैं तुम्हें बचा रहा हूं और तुम मुझे मार रही हो। चलो चलो अपने घोड़े पर। अरे लो संभालो अपनी बंदूक। चलो देखो सीधा माल उल्टा पागल हो रहा है। बचाओ बचाओ कोई है? शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? बहन की जान बचाना तो भाई का फर्ज है। सभी रिश्ते जन्म से तो नहीं होते, कभी कभी। पिताजी आप? जी मेरे पिताजी। नमस्ते।
कभी कस्बे में आया तो हमसे मिलना। मैं ठेकेदार कुंदन सिंह की बेटी हूँ। एक ठेकेदार की बेटी और लकड़हारे के बेटे का आपस में कोई मेल नहीं। हो सकता है हमारे भाई बहन बन जाने से ठेकेदार और लकड़हारे में भी दोस्ती हो जाए। दोस्ती और दुश्मनी दौलत के तराजू पे तुलती है लड़की, लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझोगी। जाओ बाय। घोड़े पे सीधे बैठना। बाबा आप तो किसी से इतना रूखापन नहीं करते। चिब्बू तू इस लड़की से कभी नहीं मिलेगा। बाबा उसे देख कर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी बहन हो। अगर मेरी बहन होती बिल्कुल ऐसी होती। मैंने जो कहा है वो सुन, तू इस लड़की से कभी नहीं मिलेगा और ये पूछेगा भी नहीं कि क्यों। बरखा। यस मम्मी। तू शिकार खेलने गई थी या कबड्डी? मम्मी आज मेरे साथ एक अजीब घटना हो गई। क्या? मेरा घोड़ा बेकाबू होकर इतना तेज भाग रहा था कि लगता था कि हम दोनों एक खाई में गिरकर मर जाते हैं। फिर अचानक एक लड़के ने पेड़ से कूदकर हम दोनों की जान बचा ली। और मम्मी मुझे उस लड़के को देखकर लगा कि अगर मेरा भाई जिंदा है तो जरूर यही है। कौन था? कहाँ मिला था? कैसा था वो? मम्मी वो जो भी था बाद में पता चला कि वो बेचारा एक लकड़हारे का बेटा था। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी मिले तो उसे घर ले आना। कम से कम तेरी जान बचाने वाली को मैं भी तो देखूं। शिबू आओ ना। पर मैं आना। टकलू कहाँ हो? टकलू? अरे उससे डरोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? उससे मैं आता हूँ। तुम उससे कभी नहीं मिलोगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी। शेट्टी साहब मैं फन बेचती हूँ, तन नहीं। और अगर तुम्हें तन बेचने वाली चाहिए तो किसी और को ढूंढ लो। लोची तुम जानती हो इस कैफे का मालिक मैं कैसे बना? जानती हूँ। मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारा मालिक बनने के लिए मुझे शिबू को खत्म करना पड़ेगा। शेट्टी सुनो, शिबू की जान की सलामती चाहती हो ना, तुम उसे कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं। लोची ने तुम्हारे लिए पैगाम दिया है। क्या? वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। कौन सी धमकी दी है तुमने उसे? जाओ जाकर उससे खुद पूछ लो। लोची, लोची, दरवाजा खोलो। लोची तुम यहाँ से चले जाओ शिबू, और मुझसे मिलने कभी नहीं आना। पर क्यों? एक बात तो सुनो, दरवाजा खोलो। लोची अब ये दरवाजों की नहीं दीवारों की बातें हैं। किसने खड़ी की हैं ये दीवारें? अब यहाँ से सीधी तरह चले जाओ, वरना उठाकर यहां से बाहर फेंक दिया जाओ। देखो धंधे की जगह में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। नहीं, इधर। वन टू थ्री फोर। साथ कमरों में बंद पड़े हो,
और आगे ऊंची दीवार खड़े हो, ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा मैं, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। साथ कमरों में बंद पड़े हो और आगे ऊंची दीवार खड़े हो, ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा मैं, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। पहरेदारों का जोर, जलने वालों का शोर, क्या बिगाड़ेगा मेरा बता जाने मन। और तुझे मुझसे है प्यार, अब तो कर ले इकरार, अपने आशिक से यूं तो ना अनजान बन। तू चाहे सपनों में मुझसे लड़े हो, या फिर बेकार किसी जिद पे अड़े हो, ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा मैं, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। zig 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 मुझे रोकेगा कौन, मुझे टोकेगा कौन, इसमें दम है जो आए मेरे सामने। साया बनके दिन रात मैं भी हूँ तेरे साथ, तेरे पीछे रहूँ या तेरे सामने। चाहे तू लाखों के बीच खड़े हो और तुझे छूना भी बात बड़े हो, ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा मैं, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। तू साथ कमरों में बंद पड़े हो और आगे ऊंची दीवार खड़े हो, ताले पे ताले चाहे कोई डाले, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा मैं, ले जाऊंगा तुझे जब चाहूंगा। शाबाश, अगर तुम मेरे कैफे में गाना शुरू कर दो मेरे धंधे में चार चांद लग जाएगा। तो हर रोज आना शुरू कर दूं? बिल्कुल, एडवांस। ओह थैंक यू स्वीट बॉय। शिबू को नौकरी देना ऐसा हुआ जैसे बिल्ली से कहा जाए कि दूध की रखवाली कर। ये बात है, जहाँ ताकत और जिद से काम ना चले तो दिमाग से काम लेना चाहिए। एक बात है, एक बात है। औरतों में अकल नहीं होती,
मेरा मतलब सिर्फ बेअकल लोग ऐसा समझते हैं। इतने महंगे जेवर औरतें इसलिए खरीदती है कि वक्त पे वक्त उनके काम आए। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्का मत लगाइए, कुछ और जेवर दिखाइए। अच्छा देखिए पहनकर। ये पहन, ये पहन के उस शीशे में देख जाओ। नेकलेस पहनकर लड़की नजर आती हूँ। तुम? जी हाँ, वैसे लड़की नहीं, बहुत खूबसूरत लड़की। ओहो शट अप। माँ कैसा लगता है? पहली बार लड़की दिखती है। मम्मी ठीक से बताओ ना। ओहो सिर्फ लड़की नहीं, बहुत सुंदर लड़की लगती है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेटी सिर्फ देखने वालों को अच्छी लगनी चाहिए। क्यों यंग मैन? कौन मैं? यस जेंटलमैन, फरमाइए। तो बताइए ये नेकलेस इन्हें कैसा लग रहा है? ओह फैंटास्टिक, सुपर, ब्यूटीफुल। यू सी सब सामान के साथ इसे भी पैक कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। देखिए मिस भड़कू देवी जी, देखिए मैंने आपकी मदद की, आप जरा मेरी मदद कर देंगी? मुझे आपके मंगेतर, सॉरी, मुझे अपनी होने वाली मंगेतर के लिए एक अंगूठी चूज करनी है, जरा आप चूज कर देंगी? मुझे क्या मालूम कि तुम्हारे मंगेतर की पसंद क्या होगी। जो आपकी पसंद वो उसकी पसंद, बिल्कुल आप जैसी है। ये ले लो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत महंगी हो गई भैया। इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 500। 500 तो लेनी पड़ेगी। ये लीजिए, बिल घर भिजवा दीजिए। अजी 20-25 हजार का बिल क्या भेजूंगा, 2-4 लाख का हो जाने दीजिए, फिर भेज दूंगा। वो भी हो जाएगा बरखा की शादी पर। चलो थैंक यू। मम्मी अरे मम्मी ये जल्दी निकालो माल। तेरी बका ये लो। माँ अरे कोई है? बहुत शुक्रिया बेटा, आज तुम ना होते न जाने क्या हो जाता। आइए मैं आप लोगों को घर छोड़ दूं। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। जी आपके पास इतना कीमती सामान है। ओ हाँ हाँ हाँ। और फिर उस दिन की तरह कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए। उस दिन की तरह क्या? तुम एक दोनों आपस में पहले से जानते हो क्या? जी मैं क्या, इन्हें तो सारा इलाका जानता है। और फिर घुड़सवारी भी इतनी माहिर है कि लोग तो घोड़े पे सीधा बैठते हैं, ये उल्टी। हाँ हाँ मम्मी, मैं टार्जन जो ठहरी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलो मम्मी। अच्छा बेटा। अच्छा जी। बस क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही, अब क्या हुआ? कहिए तो मैं स्टार्ट कर दूं। हाँ बेटा स्टार्ट कर दो। अरे वाह, मां दुलतियां मारने में तो इनका जवाब नहीं। बेटा तुम भी बैठ जाओ, कहीं रास्ते में फिर न बिगड़ जाए। अगर इस बार बिगड़ गई तो लात से नहीं धक्के से काम लेना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सावन। सावन, पूरा नाम क्या है? जी सावन का भादो। हेलो बेटी, ये है बरखा के डैडी और ये सावन। मालूम है आज क्या हुआ? क्या आज एक लुटेरा आकर हमारा जेवर का डब्बा लेकर भाग गया था और इसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे पकड़ लिया। ओह गॉड, थैंक यू वेरी मच यंग मैन।
डोंट मेंशन इट सर। बरखा। यस डैडी। बेटी इनके लिए कुछ कॉफी वॉफी लाओ। यस डैडी लाती हूँ। बरखुरदार तुमने अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी? जी ये तो आप कह रही हैं, वरना गोली बंदूक चलाना तो मेरा रोज का काम है। तो क्या पुलिस में काम करते हो? जी नहीं, शिकारियों का गाइड हूं मैं। आई सी, तो निशाना तो बहुत अच्छा होगा। अब तक तो चूका नहीं। वेरी गुड, इसी रोज आजमा कर देखना पड़ेगा। अभी आजमा लीजिए। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक, वेरी गुड। उन्हें बाबू निशाना दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं तो जरा अपना निशाना दिखाती हूँ। जरा मिर्ची और नमक देना। मिर्ची? जल्दी करो। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने शिकार खेलना तो मना कर रखा है ना? जी हाँ, इसलिए कुछ बेकारी चल रही है। बेकारी? बैठ। तो तुम हमारे पास काम करो ना। जी, कैसा काम? ये निशानेबाजी, और निशाना किसे बनाना है ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। जी अभी बता दीजिए, प्रैक्टिस आज से शुरू कर दे। ओ वेट वेट वेट, डैडी कॉफी। वेरी गुड वेरी गुड। ओ डैडी, पहले मेहमान। देयर यू आर, वंडरफुल। कॉफी तो मेरी बेटी जैसी कोई नहीं बना सकता। क्यों, क्या हुआ? जी वो बहुत गर्म है। हाँ, तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बेटा? मेरे पिताजी तो, I am sorry, very sad. डैडी, इसमें शक्कर बहुत ज्यादा है। अरे नहीं, बिल्कुल ठीक है बेटा। नहीं, मैं दूसरा कप अब ले लेता हूँ। Perfectly all right. डैडी, शक्कर। जी क्या हुआ? कॉफी में मिर्ची? कॉफी में मिर्च? अभी तो घूट भर कर तारीफ कर रहे थे। अरे पी के देखो। लो। इतने नमक और मिर्च? जी बरखा, तूने कॉफी बनाई कि सिंधी कड़ी? सारा मेरा मुंह जला दिया। मम्मी वो गलती से पड़ गई थी, डिब्बे साथ में पड़े थे ना। मैं चलता हूँ। ठीक है, कल 10 बजे आ जाओ, मैं अपने साथ ले चलूंगा। जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं अभी दूसरी कॉफी बनाती हूँ, मीठी। ऐसी मत लाना। क्या कॉफी बनाती हैं आप? सबको बहुत मजा आया। क्या करूं, जिस दिन से घोड़े पे उल्टी बैठी हूँ ना, दिमाग कुछ उल्टा चलने लग गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये उस दिन का बदला लिया जा रहा था। मजा आया बदला लेने में? हाँ। ओ यो, अब जाके फोटो खिंचवाओ। फोटो तो खींच गई। सावन जी, ये सब तुम्हें संभालना है। जी। बरखा। यस डैडी। बेटी वो ऑफिस से प्रोडक्शन फाइल लेकर सावन को दे दो। जी वो फाइल, मैं तो समझा था कोई निशानेबाजी का काम होगा। उसका भी वक्त नहीं आया है, फिलहाल प्रोडक्शन फाइल स्टडी करो। जी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओहो, ये फाइल ढूंढकर जो आपने मुझे देने की तकलीफ की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों सावन, कैसा काम चल रहा है? जी कुछ ठीक ही चल रहा है।
भाई सच तो ये है कि हमें तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी आज तक मिला ही नहीं। बस बस डैडी, ज्यादा तारीफ दिमाग खराब कर देती है। ठेकेदार साहब, मुझे लगता है यहाँ कोई बेईमान जरूर है। बेईमान? जी। तो इन्हीं से कहिए ना, बेईमान भी ढूंढ निकाले। सावन, तुम्हें ये शक कैसे हुआ कि यहाँ कोई बेईमान आदमी है? ये देख लीजिए। कहीं चोट तो नहीं है? देखो कहाँ लगा, देखो कहीं लगा तो नहीं। एक पाँव में थोड़ा सा। देखो बेटा, तुम तो हमारे लिए देवता से भी ज्यादा हो। जी ज्यादा तारीफ मत करिए वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ओह शट अप, आई मीन थैंक यू। ममता, इसे घर ले चलो। हाँ जी चलिए। सावन, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय ड्यूटी सर। ये लो, चलो बेटी। हमेशा एक साथ नहीं होते? परखा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। इजाजत है? हाथ अभी बढ़ो। ये वही अंगूठी है जो तुमने मेरी होने वाली मंगेतर के लिए पसंद की।
बहलाना होगा, बदला चुकाना होगा, क्यों हमें रातों को जगाया, बरखा ने प्यार बरसाया, जूता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया, मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झनझनाया, बरखा ने प्यार बरसाया, ओ झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार बरसाया, देखो बरखा ने प्यार बरसाया। सावन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा निशानेबाज है। मैं बरखा और सावन के बारे में सोच रही थी। ये ख्याल मेरे दिल में भी आया था। उसका बाप तो है नहीं, बरखा के जन्मदिन पे उसकी माँ को बुला लेते हैं, फिर देख लो कैसे लोग हैं, खानदान क्या है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कौन? सावन। तुम नहीं, मैं। तुम। बहाना नहीं करो, बता ना। अगर बता दिया तो तुम हाथ छुड़ा कर अलग हो जाओगे, इसलिए नहीं बताता, जाओ। नेवा। अरे माँ जी तो एक घंटे के बाद आएंगी, मंदिर गई होंगी। अच्छा बाबा, तरफ क्यों नहीं, लो छोड़ देता हूँ। ओ माँ, मैं ये बंदूक साफ कर, ये बंदूक साफ कर रहा था। अरे बरखा, तुम कब आए? कल। अच्छा अच्छा बेटी, ये है बरखा, ठेकेदार की माँ। माँ, ये है बरखा, ठेकेदार की बेटी। नमस्ते बेटी। तुम्हें देखकर मुझे मालूम पड़ गया कि साबर ने नौकरी कैसे कर ली। इनका निशाना बहुत अच्छा है। वो तो मैं देख रही हूँ। मान जी, कल मेरा जन्मदिन है, मम्मी ने कहा था आप जरूर आइएगा। हाँ माँ, जरूर जाइएगा। बेटी, मैं बाहर आना जाना नहीं करती, सावन को दे जा। हाँ माँ जी, बाहर कभी नहीं जाती। बेटी बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। बोली थी ना छोड़ दो मुझे। अच्छा हुआ ना, माँ जी को बता दो चल गया। अरे क्या कर रहे हो। हाँ क्या कहने आई थी, पार्टी में सबसे पहले तुम्हें आना होगा। मंजूर। और सबसे अच्छा प्रेजेंट आना होगा। मंजूर। और गाना भी गाना होगा। मन नहीं 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 नहीं, मैं मुझे गाना वाला कहाँ आता है। अरे क्या मतलब, उस दिन पहाड़ पे कितने जोर से क्या गा रहे थे। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार भर। अबे की गाओ, बहुत अच्छा गाती हो। हाँ गाना गाओ, माँ जी को गाना सुनाओ। माँ जी मैं चलती हूँ। अरे चाय पी के जाओ। अरे हाँ चाय तो पी। अगर मैं शर्माने वाले दिन पैदा हुई होती तो इस तरह कैफे में डांस नहीं करती। तो फिर बरखा की पार्टी में जाने से क्या इतराज़ है? क्योंकि ये बरखा की पार्टी है और तुम उससे मिलने के लिए उतावले हो रहे हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? काश कि मेरा कोई उससे रिश्ता होता। जानती हो, जब से मैंने होश संभाला न मुझे माँ का प्यार मिला न बहन का, और जिस दिन मैंने बरखा को देखा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहन मिल गई। अगर तुम चाहती हो कि एक बहन के जन्मदिन पे भाई मुबारकबाद देने ना जाए, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं शिबू, तुम्हारे साथ पार्टी में मैं भी चलूंगी। ओह थैंक यू सो मच लोची, यू आर सो गुड। लेकिन तुम्हारे उस टकलू का क्या होगा? अरे हाँ, तुम फिक्र मत करो, उसका इंतजाम चिप्पू करेगा। हाँ चलो। बस बैड न्यूज़। क्या? एक तो शिबू छुट्टी पर है, दूसरा लोची आज डांस नहीं कर सकती। क्यों? उसके पेट में दर्द है, बल पड़ रहे हैं, वो तो यूं तड़प रही है जैसे जलबिन मछली। बॉस, अगर उसका फौरन इलाज नहीं किया गया ना तो बाई गॉड मर जाएगी। कौन मर जाएगी बच्चा? आपको इससे क्या बॉस? अरे भाई मैं डॉक्टर हूँ, कोई बीमार हो तो दिखा दो। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ कोई जानवर बीमार नहीं है। बॉस डॉक्टर,
मेरी जान बीमार है। तुम्हारी जान को मैं भी निकाल सकता हूँ। यार अबे क्या कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जान की बीमारी तो मैं भी दूर किए देता हूँ। चल डॉक्टर इधर नहीं इधर डॉक्टर उसके पेट में दर्द है लगता मर जाएगी बेचारी बॉडी अच्छी थी। आइए पशु चिकित्सक महोदय आइए पशुपाल जी आइए चलिए ना चलिए ना। डॉक्टर इसके दाढ़ में नहीं पेट में दर्द है। लगता है तुम्हारी बेटी बहुत सीरियस है। ये मेरी बेटी नहीं है। तुम बहन होगी तुम्हारी माँ तो नहीं लगती है। डॉक्टर रिश्तेदारी मैं तय कर लूंगा तुम गोली दो और चले जाओ। तुम बोलो ना डॉक्टर दादू उसके पेट में गोली मुझे खिलाते हो। देखो ना आपको गोली खिला रहा है मैंने कहा नहीं था ये जानवरों का डॉक्टर है। डॉक्टर पानी पानी लाओ भाई पानी पानी डॉक्टर पानी 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 डॉक्टर सुनिए अब 8 घंटे इन्हें आराम करने दीजिए और फिर देखिए दर्द कैसे जाता है जैसे कि मैं डॉक्टर ये 8 घंटे आराम करेंगे हमारे नाच का क्या होगा। देखिए सर अगर आज उसे नचाया तो सारी जिंदगी तुम्हें खुद नाचना पड़ेगा और देखो दरवाजा ये 8 घंटे तक नहीं खुले। दादाजी इतनी खिड़की नहीं खुलेगी। अब क्या होगा पब्लिक कुर्सियां तो डालेगी। बस एक आइडिया क्या अरे फिर ऐसा होगा ये अरे आपके लिए जान हाजिर है बॉस। वेरी गुड आप देखिए मैं क्या करता हूँ चलिए मैं आया। क्या सुनाए ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ
हुआ। माँ जी, यह शिबू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इन्होंने उस दिन मेरी जान बचाई थी। चलो अंदर जाओ बेटा, चलो जाओ बेटा, जाओ। मैं नहीं है पे रिटर्न उधर देर बैठा। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो बर्फा। बहुत शुक्रिया। भला आप क्या लाए हैं? अपना एक इकलौता दिल। अरे हाँ कुंदन साहब, मैं आपको शिबू से मिलाना तो भूल ही गया। इनको शायद मैंने कहीं देखा है पहले। जरूर कैफे में देखा होगा। मैं वहां पे गाता हूँ और ये वहां पे नाचती। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे आज हम भाग के आए हैं वहां से। भाग के तो जरूर आया, लेकिन बचोगे यहाँ भी नहीं। क्यों भाई? गाना तो तुम्हें यहाँ भी पड़ेगा। लो जी, तुम्हें नाचना पड़ेगा। बरखा का जन्मदिन हो और मैं ना गाऊं? मैं भी नाचूंगी। That's the spirit. Ladies and gentlemen, give them a big hand. Come on, come on. La 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 la. La 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 la. गाते हम दिए बिना लहराते हम झूम 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 झूम। मेरी भी कोई बहना होती भोली भाली गुड़िया जैसी, यानी बिल्कुल तेरे ऐसी, फिर तो झूम के गाते हम दिए बिना लहराते हम झूम 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 जब होती छोटी सी तो सबका दिल बहलाती। वो जब होती छोटी सी तो सबका दिल बहलाती। वो आती जब स्कूल से वापस जैक एंड जिल फिर गाती। वो ताता थैया करके सारे घर को नाच दिखाती। वो जब रोती चुप ना होती उसका मन बहलाते हम और फिर झूम के गाते हम झूम 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 झूम। जब होती सियानी शहजादी कहलाती। वो गुड़िया
जब होती सियानी शहजादी कहलाती वो 16 बरस की जब हो जाती प्रीतम के घर जाती वो और जब उसका मन घबराता हमसे मिलने आती वो भैया कहकर वो शर्माती मन ही मन मुस्काते हम और फिर झूम के गाते हम झूम 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 मेरी भी कोई बहना होती लेकिन ये सब ख्वाब है मेरे ताबीर नहीं लेकिन ये सब ख्वाब है मेरे जिनकी कोई ताबीर नहीं मंदरपन में जिसको सजाते ऐसी कोई तस्वीर नहीं मैंने कैसी किस्मत पाई सुनी पड़ी है मेरी कलाई कौन कहेगा मुझको भाई कौन कहेगा मुझको भाई मुझको भाई तो इसका मतलब यह हुआ शिवू कि तुम्हारी कोई बहन नहीं तो आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और भैया आज से हर साल मैं तुम्हें राखी बांधूंगी अच्छा बाबा वही पुराना दर्द आप काम भी तो इतना करते हैं बाबा बस कल से आपका काम बंद तब ये ग्रेप काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या अब मैं भी तो काम करता हूँ बाबा वादा कीजिए कल से काम पे नहीं जाएंगे तो खाना खाया फिर वही मेरा फिक्र अपना ख्याल जरा भी नहीं आपको मैं खाना खा चुका हूँ तो फिर पत्ते बुझा दे उजाले से मुझे बहुत तकलीफ होती है जा ना जाने मेरी जान का क्या हाल होगा बस हाल है कि आवाज सुनने आ रही मतलब ठीक ही होगी आवाज ना आने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि मर गए एक बात है मैं अभी देख कर आता नहीं नहीं बॉस क्या कर रहे हो अभी तो 3 घंटे भी नहीं हुए डॉक्टर ने तो 8 घंटे का आराम कहा ठीक होगी बैठ करो मुझे जाना ही होगा नहीं मेरी लोची नहीं बॉस नहीं मर गए लोची मेरी प्यारी लोची अरे तू मत बोल मेरे लोची तू चला जा तुम्हें तड़पते देखकर मेरा दिल तड़पता लोची तुम्हें छोड़कर मैं कैसे चले जाऊं लो तुम्हारा पेट दबा दूं तुम्हारे पेट में दर्द है ना अरे पेट में नहीं मेरी टांगों में लो टांगे दबा दूं अच्छा तुम आराम करो मैं भी यहीं आराम करूं
नहीं नहीं अच्छा लो जी मैं चलता हूँ लो जी तुम तो ऊपर थी हाँ मैं तो ऊपर थी यहाँ कैसे हाँ मैं यहाँ नहीं हूँ गुड नाइट गुड नाइट ए तुम ऊपर थे तो फिर गुड नाइट कैसे तुमने कहा मैंने कहा ए तू मुझे बेवकूफ मत बना चलना था अरे लोची अच्छा हुआ तू आ गई वो कहना तुम मेरी टांग को आइसक्रीम तुम्हें काट रहा था बड़ा मत क्यों बे बच्चर उससे ड्रामा लोची तुम्हें सिद्धू के साथ जाना था मुझसे खाओ मैं खुद ही भेज देता इस ड्रामा की क्या जरूरत है बस अब ये एक ही टुकड़ा रह गया है ममता बाकी वो लुटेरा सब लूट कर ले गया उसके लिए एक नहीं है ना और वही धमकी कल 10,000 रुपए और मांगे 10,000 काश एक की जगह मैं दो बेटों को जन्म देती तो वो लुटेरा आए दिन हमें इस तरह न लूटता हाय क्या बात है ये पत्थर पे पत्थर बनी बैठी हो समझ गया जरूर ठेकेदार साहब ने तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर दिया होगा लेकिन तुम फिक्र मत करो एक दिन मैं तुम्हें उनके सामने से उठाकर ले जाऊंगा ये इस तरह बरखा शायद अब बरखा और सावन कभी नहीं मिल सकेंगे क्या हाँ सावन मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक अपने भाई को ढूंढ नहीं निकालती मैं शादी नहीं करूंगी तुम्हारा भाई आज तक तो उसके बारे में तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा ये एक राज है सावन और इस राज के पीछे मेरे भाई की जिंदगी मुझे भी नहीं बताओगी नहीं मुझे गैर समझती हो सावन पर कहा तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध देखो मुझसे कुछ छिपाओ बताओ तुम्हारे भाई पे क्या गुजरी थी आज से 18 साल पहले वो लुटेरा उसे उठा कर ले गया था और आज तक वो जालिम उसके गर्दन पर छुरी रखकर हम लोगों को लूट रहा है तो क्या आज फिर 10,000 रुपए और मांगे हैं कब कल दिन के 12 बजे तो कल वो लुटेरा मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा उसे मारना ही होता सावन तो डैडी उसे कब के मार चुके होते लेकिन दुख तो इस बात का है कि वो हमें लूटता है और हम उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं अगर वो मर गया तो हम जिंदगी भर अपने भाई की शक्ल देखने के लिए तरसते रह जाएंगे कुछ भी हो बरखा कल मैं उससे जरूर मिलूंगा
काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? आपको मना किया था ना कि आज आप काम पे नहीं जाएंगे। और मैंने भी कहा था ना कि गरीब आदमी काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। गरीबों ने आजकल 100-100 के नोट खाना शुरू कर दिए हैं क्या बाबा? चाबी आज आप घर पर ही भूल गए थे। फिर मैंने वो ताला खोल लिया। क्या? संदूक खोल के वो दौलत भी देखी। और अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम इतने ही गरीब हैं कि आपको बीमारी में काम करना पड़े तो वो दौलत किस काम की? इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता शुभ। और उस लिबास के बारे में, वो है वो काला चश्मा, वो बंदूक, वो कारतूसों की पेटी, किसके हैं वो सब? मुझे बताइए, क्या मेरा ये शक ठीक है कि वो लिबास पहन के वो बंदूक लेकर आप जाते हैं किसी को लूट के? वो तमाम दौलत लूट मार और डाके की कमाई की है। एक थप्पड़ तो क्या आप मुझे जान से भी मार डालेंगे तो ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि ये दौलत कहां से आई और किसकी। सुनना चाहता तो सुन, ये दौलत तेरे बाप की है। नहीं, उस बेईमान की, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मुझे मेरे बच्चे और बीवी से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। जो मेरे कानों ने सुना, दिल उसे मारने से इनकार कर रहा। क्या आप कहना चाहते हैं क्या आप मेरे बाप नहीं? हाँ, ये सच है जी। तो इतना और बता दीजिए कि मेरा बाप है कौन? ये मैं नहीं बताऊंगा, हर किसी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे? जब आप 18 साल का ये भ्रम, ये प्यार, ये रिश्ता एक पल में तोड़ सकते हैं तो इतना क्यों नहीं बता सकते कि किसकी गोद खाली करके अपने इस उजाड़ को गुलशन बनाने की कोशिश की थी आपने? सिब्बू, मैं तेरा बाप नहीं, लेकिन माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया है मैंने तुझे। तू ही बता, क्या तूने आज तक किसी की मुस्कुराहट में अपनी मुस्कुराहट से ज्यादा खुशी देखी है? यही तो गम है बाबा, जितनी खुशी दी थी उससे कहीं बड़ा गम दे दिया आपने मुझे। गम इस बात का नहीं कि मैं अपने बाप के बारे में नहीं जानता, बल्कि गम इस बात का है आप मेरे बाप नहीं। शिबू, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन तेरे बाप की जान का दुश्मन हूं। तुझे कैसे बता दूं कि तेरा बाप कौन है? आज पहली बार इसे शराब की जरूरत महसूस हुई है। इसे कुछ परेशानी होगी बॉस। शिबू, ये क्या हो रहा है? प्रोग्राम का वक्त हो गया है। देखो, पब्लिक शोर मचा रही है। जाओ। दोस्तों, फसाना अपना दोस्तों, क्या कहें हम तुमसे फसाना अपना। आज कुछ भी नहीं, नहीं कल तक था जमाना अपना दोस्तों, क्या कहें हम तुमसे फसाना Thank you.
कुछ भी कहना पाए, रोए और आंसू ना बहाए। दोस्तों क्या कहें हम तुमसे फसाना अपना, दोस्तों क्या कहें हम तुमसे फसाना। नहीं समझोगी लोची, तुम्हारे दुख को मैं नहीं समझूंगी तो क्या बेगाने समझेंगे? अपने कौन और बेगाने को? क्या मैं भी तुम्हारी अपनी नहीं? कोई नहीं, कोई नहीं इस दुनिया में मेरा। क्यों बेकार की बातें करके लोची का दिल दुखाते हो सिब्बू? लोची तुम ऊपर जाओ, मैं इसे समझाता। सिब्बू तुम पहले ही बहुत पिए हो और मत पिए। कम ऑन बॉय, स्वीट बॉय, कम ऑन। आज इसे खत्म करने का बहुत अच्छा मौका है। रास्ते में किसी पहाड़ से नीचे लुढ़का देना। कल इसकी लाश मिलने पर लोग यही समझेंगे नशे की हालत में गिर पड़ा होगा। जाओ। कुछ भी नहीं, नहीं कर कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे घर। जब मेरा बाप ही मेरा बाप नहीं रहा तो मेरा घर कहाँ से रहेगा? शिबू अच्छा चल तो मैं कहीं और ले जा। हाँ कहीं और चल। ये तो वही है निशाने बाज। भागो। हजम होती नहीं, पी लेते हैं साले। काम हुआ? नहीं बॉस। उसका दोस्त उसे रास्ते में ही मिल गया था, वो कम वक्त उसे अपने घर ले गया। अभी किसको ले आया? बचाकर तो इसे भी गुंडों से लेकर आए हैं, लेकिन ये बेगाना नहीं, मेरा दोस्त है। मैं माँ सुबह मैं जल्दी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, क्यों? ये मैं सुबह आकर बताऊंगा। कहिए, मेरा बेटा शिबू यहां काम करता है, कल रात से घर नहीं आया। घर नहीं आया? वो तो कल रात को यहां से घर चला गया था। चला गया? शुक्र है कल रात हम उससे मार ना सके। शुक्र किस बात का बॉस? वो हमारे बहुत काम की चीज है। वो इसका नहीं कुंदन का बेटा है, जिसे ये बदमाश 18 साल पहले उठा कर ले गए।
ये लो। क्या हुआ सावन? मैं सोच रहा हूं एक बेटा पाने के लिए कहीं दूसरा हाथ से ना गंवा बैठूं। आप फिक्र मत कीजिए। वाकई में डाकू निकले। चाहते क्या? चाहता तो ये गोली मैं तुम्हारे सर के पार कर देता, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा ले जाने आया हूं ताकि कुंदन सिंह का बेटा उन्हें वापस दिला सकूं। जिस कुंदन सिंह के लिए इतनी हमदर्दी है बेटे, वो इतना जालिम है कि अपने मतलब के लिए तुम्हें भी तुम्हारे बाप से जुदा कर सकता है। एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी जान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन रास्ते में आए हुए पत्थर को हटाना ही पड़ता है। अगर तुम सीधी तरह मेरे साथ नहीं चलेगे तो शायद जख्मी करके तुम्हें ले जाना पड़ेगा। चलो। अगर तू गोली चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूं। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अब ऊपर आ जाओ। तुम खिलाड़ी अच्छे हो, इसलिए तुमसे मुकाबला तुम्हारी टक्कर का करूंगा। पिस्तौल के जोर से नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। खिलाड़ी तुम भी अच्छे हो, लेकिन नादान हो। मेरे पिस्तौल में अब भी एक गोली बाकी, लेकिन तुम पर चलाकर एहसान फरामोश नहीं बनूंगा। मैं जा रहा हूं। अगर अपने बाप के बेटे हो तो मुझे रोक लो। मैंने तुम्हारे एहसान का बदला चुका दिया, लेकिन मैंने अभी तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। बोलो, कहां है कुंदन सिंह का बेटा? पहले उससे ही जाके पूछो मेरा बेटा कहां है।
मेरी बीवी कहाँ है? सवाल मैं कर रहा हूँ। तो जवाब भी तुम्हें मिलेगा। अगर अपने बाप के बेटे तो मुझे रोक लो। क्यों, क्या हुआ? वो उस लकड़हारे का नहीं, कुंदन सिंह का लड़का है। क्या, शिबू मेरा बेटा है? जी हाँ, और वो मेरे घर में महफूज है। आइए।
सावन, मुझे बंद क्यों कर रखा है? क्या पागलपन है यार? अभी बता दो ठेकेदार साहब, यह है आपका बेटा शिव। शिव, यह है तुम्हारे पिता। अच्छी तरह से जानती हूँ और आज तू भी इसे जान जाएगा। बेटे, बचपन से तू एक ही सवाल पूछता आया है, आज मुझसे नहीं इससे पूछ कि तेरा बाप कहाँ है। साफ साफ कहो माँ, क्या बात है? बेटे, आज से 23 साल पहले यह तेरा बाप इकट्ठे डाका डालने गए थे। उस दिन से तेरे बाप का कोई पता नहीं, लेकिन किस्मत इसे मेरे सामने ले आई है। आज मैं इसे पूछ कर आऊंगी, बोल मेरा पति कहाँ है, बोल कहाँ है, कहाँ छोड़ा है तूने उसे, बोल मेरा जग्गू कहाँ है, बोल मेरा जग्गू, मेरा जग्गू कहाँ है, बोल बोल मेरा जग्गू, बोल मेरा जग्गू। और आप बताइए ठेकेदार साहब, मेरी माँ के सवाल का जवाब दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता सावन, मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कुछ जानते हैं, और अगर इसी वक्त आपने मुझे नहीं बताया तो जो हालत मैंने आपके दुश्मन की है, मैं आपकी भी कर सकता हूं। सावन, दोस्त मेरी बात तो सुनो। चिबू, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरे खून की भी जरूरत पड़े तो मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त सवाल है मेरे बाप का, मेरी मां के सुहाग का, और जब तक तुम्हारा बाप मेरे बाप का पता नहीं बता देता, ये पिस्तौल यहीं रहेगा और तुम इन सलाखों के पीछे। मैं इन सलाखों से बाहर आना ही नहीं चाहता, बाहर आके दुनिया की मकरूर सूरत देखना ही नहीं चाहता, लेकिन अफसोस इस बात का, जब तक मैं बाहर नहीं निकलता तुम अपने बाप से नहीं मिल सकते। जग्गा से सिर्फ मैं ही तुम्हें मिला सकता हूं। चले गए। आप लोग अंदर बैठिए, मैं देख के आता हूं कहां है। तेरे लिए जहर नहीं उगल सकेगी। क्या हुआ बेटा? सावन, क्या हुआ? ये बात सुनकर तुझे खुशी से पागल हो जाना चाहिए था रे। नहीं मां, नहीं, खुशी से नहीं, मुझे तो गम से पागल हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है तू? हाँ मां, ठेकेदार को उनके बेटे से मिलाने के लिए आज मैं जिस आदमी को मारकर आया हूं वो यही थे। झूठ, झूठ, काश ये झूठ होता मां, ये झूठ होता। सावन, मेरे बेटे, तुझे तेरी मां के प्यार की कसम, इतना कह दे कि तुझे अपने हाथों से तेरी मां का सुहाग नहीं लूटा, उसके दूध की कीमत तुझे से विधवा बनाकर नहीं चुकाई। कह दे सावन, यहाँ तूने अपने बाप के खून से नहीं रंगे। कह दे बेटा, झूठ है। कैसे कह दूं मां,
जबकि इन्हीं हाथों से मैं उन्हें मौत के मुंह में ढकेल कर आया। तो इन्हीं हाथों से मेरा गला घोट दे। जिन हाथों से तूने मेरा सिंदूर मिटाया है उस गले को काट के फेंक दे। देखता क्या है, गला दबा दे मेरा, दबा दे मेरा गला, मार डाल मुझे, लाना मुझे, मार डाल, जीवन नहीं देने, जीवन नहीं। माँ, मेरे हाथों जो पाप हुआ है उसके जिम्मेदार ये है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने एक बेटे के हाथों से उसके बाप को मरवा दिया, क्यों? तुझे तो अपना बेटा मिल गया, मैं अपना बाप कहां से लाऊं? बाप, किस बात की दुश्मनी निकाली है तूने मुझसे? बता मैं क्या जवाब दूं अपनी माँ को? मैं, अरे हट जा शिबू, तू हमारे बीच में आता, मैं कहता हूँ। माँ, माँ, माँ कहीं भाग क्यों जा रही है सावन? माँ, तो मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। उस संसार में मुझे मिलने से ना रोको भगवान, मुझे उनसे मिला तो भगवान, मुझे उनसे मिला तो भगवान। शोभा नाथ, तुम्हारी बात ना मान कर मैं रास्ते से भटक गया था। मेरा सावन कहाँ है? माँ, बेटा, मेरा बेटा। शुक्र है भगवान का कि तुम्हारी पुकार सुन ली, नहीं तो इस निर्दोष के माथे पर माँ बाप के खून का कलंक लग जाता। सावन, ये मेरा सावन है। तुमने जो कुछ किया उसके लिए शर्मिंदा ना हो बेटा, उसके लिए तो तुम्हें फख्र करना चाहिए। मेरा सावन पिताजी, मेरा सावन, मेरा सावन। माँ, सावन,
बाबा। शिबू, मैं तुम्हारा बाप तो नहीं बाबा, लेकिन तुम आज भी मेरे बेटे हो बाबा। शिबू, वो पैसे जो मैंने तुम्हारे बाप से लूटे थे, वो अंधों का अस्पताल बनाने के लिए लूटे थे, क्योंकि वो जग्गा, जग्गा, मेरे दोस्त, पुलिस तो जो मेरी हालत करेगी वो करेगी, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो जग्गा। मेरी बेटी तुम्हारे सावन से प्यार करती है, मेरी ख्वाहिश है तुम इन दोनों की शादी कर दो। बाहों में चोरी से तुमको उठा लूंगा, होंठों से थोड़ी सी लाली चुरा लूंगा। हमको बुलाते भी हो, आंखें चुराते भी हो, आखिर दीवाना क्यों बनाया। बरखा ने प्यार बरसाया, झूमता सावन देखो आया। बरखा ने प्यार बरसाया।